तो जय जवाहर दोस्तों, मैं हूं प्रजा सिंह टूरिस्ट गाइड, आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरा जो लक्ष्य था यहां जगदलपुर आने का, चित्रकूट तक पहुंचने का अपने संदेश हसदेव को लेकर, तो मैं पहुंच गया हूं। 12 दिन का मेरा ये जो हसदेव बचाओ संदेश का टूर था, जिसमें से मैंने लिफ्ट और पैदल चलकर पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण किया हूं। तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं बस्तर जाऊं। मैं बस्तर, मेरा ये पहली बार आगमन है, मैं पहली बार बस्तर आया हूं और यहां पर पहुंचा हूं चित्रकूट वाटरफॉल के पास। लगभग मुझे यहां तक आने में 2 दिन, लगभग मैं बस्तर संभाग से अभी हूं और अभी मैं 3 दिन और रहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जाने का उद्देश्य सोशल वर्क से है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य यहाँ तक आने का था वो है हसदेव बचाओ संदेश को लेकर। तो आज ये हसदेव बचाओ संदेश का सफ़र मेरा यहाँ पर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो ट्रेवल था, जो हसदेव बचाओ का संदेश था, जागरूकता अभियान था, ये आपको पसंद आया होगा। क्योंकि निश्चित रूप से मैं जब लिफ्ट लेता था गाड़ी में, पैदल चलता था, तो जिस लोगों से मेरा मुलाकात होता था उन लोग को मैं हसदेव बचाओ के संबंधित जानकारी देता था, जागरूक करता थी कि हसदेव को बचाना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए, आदिवासी जनजाति है, वन्य जीव प्राणी है और आने वाले पीढ़ी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे करके मैं निकला था संदेश को लेकर पूरे छत्तीसगढ़। तो मेरा जो लक्ष्य था ये था यहाँ तक आने का। तो काफ़ी सुंदर लगा मुझे, मैं तो पहली बार आया हूँ और बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं भी जाऊँ बस्तर, चित्रकूट वाटरफॉल देखूँ। इससे भी ज़्यादा और खूबसूरत नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बरसात के मौसम में, काफ़ी सुंदर नज़ारा रहता है। वैसे तो बस्तर जो है कई खनिज संपदा से भरा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें ये जो दृश्य जो दिख रहे हैं ये ना देखने को मिले। निश्चित रूप से हमें प्रकृति को सौंदर्य बनाए रखना है, पेड़ पौधे लगाना है। आपसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रकृति को सुंदरता बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, स्वच्छता बनाए रखें, पॉलीथीन से बचें, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाले समय में हमें भी नुकसान मिलेगा। जिस तरह से बढ़ते तापमान है और ऑक्सीजन की कमी, ये सब का सामना हमको सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरी बात है, क्योंकि मेरे सफ़र के दौरान मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि आपका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा तब जाके आप पैदल चल रहे हैं। तो भाई आप सभी को तो जैसे पता ही है मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो हम सबके लिए है, क्योंकि आने वाले समय में ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। ऐसे नहीं कि तो मैं कोई, मुझे नहीं चाहिए कि बिना कोई हवा के कोई लोग जी सकता है, ऐसा तो बात है नहीं। सभी लोग को हवा चाहिए, सभी लोग को पानी चाहिए, सभी लोग को शांत वातावरण, शुद्ध हवा, प्रदूषण मुक्त एरिया चाहिए। तो इसके लिए तो पेड़ पौधे बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जंगली जानवर है, जीव जंतु हैं उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि वही है तो जंगल है और जंगल है तो पशु पक्षी हैं, आदिवासी जनजाति हैं जो कला संस्कृति परंपरा को आज भी समेटे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार सरगुजा प्रकार जैसे बस्तर, जैसे सरगुजा में है वैसे जसपुर में है, कोरिया में है, सूरजपुर में है, कोरबा में है, जांजगीर चांपा में है, ठीक वैसे ही हम बस्तर में जो आंचल में समेटे हुए हैं यहाँ के भी लोग हैं, मुरिया है, माड़िया है, आदिवासी जनजाति है, यहाँ भी निवास करते हैं। तो ये जो है बस्तर है और चित्रकूट वाटरफॉल के जस्ट मैं अभी किनारे में हूँ। जगदलपुर से बात करें तो इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और अभी है गर्मी का मौसम, तो वाटरफॉल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, लेकिन बस्तर तो बस्तर होता है, चित्रकूट चित्रकूट होता है, इसका नज़ारा जब भी देखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है। मेरा जो सफ़र था आज लक्ष्य पूरा हुआ। निश्चित रूप से मैं जो लक्ष्य बनाया था बिलासपुर से पूरा रायगढ़ जहाँ जहाँ तक का लक्ष्य बनाया था, लगभग मैं 5 संभाग में कदम रख चुका हूँ हसदेव संदेश को लेकर। रायगढ़ सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, जासूस संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग और बस्तर संभाग, आज का मेरा ये लक्ष्य पूरा हुआ है और 5 संभाग का लक्ष्य पूरा हो गया, हसदेव बचाओ का संदेश का पूरा हो गया। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई बंद होगा, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शांत वातावरण उनको देखने जाने को मिलेंगे, पशु पक्षी जानने को मिलेंगे जो आगे चलकर रुलित तो ना हो, जिसके लिए मैंने प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा जो हसदेव बचाओ का संदेश का जन जागरूकता अभियान था आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। ये सफ़र जो है आपके सभी के योगदान, जो आपने मुझे समय दिया और मेरा मनोबल बढ़ाया किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, आपने मुझे मैसेज किया, संदेश दिया, मनोबल बढ़ाया कि आप कर सकते हो, इसीलिए यह कार्य संभव हो पाया है। आप सभी के आशीर्वाद मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सादर आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और निश्चित रूप से मैं और आगे ऐसे कार्य करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी चित्रकूट वाटरफॉल के गेट पर और यहां पर जैसे अभी आप कभी भी आएंगे
हर मौसम 12 महीने यहाँ पर लकड़ियों के बने कुछ सामान आपको दिखाई देंगे, जो कैसे कछुआ है, मछली है, ये लकड़ियों के बने हुए सामान हैं जो काफ़ी यादगार रहेगा जब अगर आप अपने घर में लेकर जाते हैं तो। एक सफ़र के याद रहेगा, एक बस्तर के यादगार चीज़ रहेगा। और यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक खाने पीने का भी चीज़ मिल जाते हैं। छीन, अभी छीन का मौसम है तो छीन बिक रहे हैं।